हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल सीमास किचन में। आज मैं आपको बताऊंगी राजस्थान की मशहूर दाल बाटी। तो चलिए बनाते हैं। यहाँ पे मैंने अरहर दाल, मसूर दाल और मूंग की दाल को धो के भिगोया है। ये देखिए इस तरीके से एक घंटे पहले ही धो के भिगो के रख दिया था, जो ये फूल के तैयार हो गई। तो चलिए पानी उबाल लिया मैंने यहाँ पर। अब ये दाल मैं इसमें डाल दूँगी और उबलने के लिए छोड़ दूँगी। इस पानी में थोड़ा सा तेल डाल दूंगी मैं और थोड़ा सा नमक, और उबलने के लिए छोड़ देंगे। तड़के के लिए मैंने यहाँ पे एक प्याज लिया है, एक टमाटर लिया है, तेज पत्ता लिया है और एक हरी मिर्च ली है, 3-4 लौंग, 2-3 काली मिर्च और अदरक लहसुन, और ये ली है मैंने कसूरी मेथी और ये रेगुलर मसाले, जिसमें ये जीरा है, राई, ये धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक और लाल मिर्च। तो चलिए हम जब तक ये दाल उबलती है तब तक हम इसका तड़का तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने 3 चम्मच तेल गरम किया है। इसमें मैं डाल दूंगी 1 चम्मच राई, 1 चम्मच जीरा, तेज पत्ता और काली मिर्च और लौंग। अब इसमें डाल दूंगी मैं प्याज और हरी मिर्च और अच्छे से पका लेंगे इसको। अब यहाँ मैं मसाला तैयार कर लेती हूँ। यहाँ मैंने डाला हल्दी, लाल मिर्च, धनिया पाउडर। अब इसे मिक्स करके हम डाल देंगे इस मसाले में और थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि ये मसाले जले नहीं। अब इसे अच्छे से पका लेंगे जब तक मसाले पक नहीं जाए और टमाटर गल नहीं जाए। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें मेरे चैनल को। यहाँ मैंने कसूरी मेथी डाल दी है थोड़ी सी, और मेरे यहाँ पर मैंने डाला है अदरक लहसुन का पेस्ट। प्लीज़ मेरी वीडियो पूरी देखिए और मुझे कमेंट करिए आपको कैसी लगी ये वीडियो। मसाला पक चुका है, मैंने गैस बंद कर दिया और ये दाल उबल गई है। अब ये तड़का मैं इस दाल में डाल लूँगी। ये देखिए तड़का मैंने डाल दिया है, दाल तो अपनी तैयार हो गई है। हम इसे मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। ये देखिए दाल बन गई है, दाल बन के तैयार हो गई है। अब मैं बाटी के लिए यहाँ पे आटा लगा लेती हूँ। तो चलिए बाटी बना लेते हैं। यहाँ मैंने आटा लिया है और ये 3 चम्मच तेल डाला मैंने इसमें, अजवाइन डाल दी 1 चम्मच और नमक डाल दूँगी स्वाद के अनुसार, और इसे एकदम टाइट डो तैयार करना है इसका। तो पानी थोड़ा थोड़ा करके ही डाले, ज़्यादा नहीं डाले एकदम से, वरना आटा एकदम सॉफ्ट हो जाएगा। आटा सॉफ्ट हो जाएगा तो फिर बाटी एकदम अच्छी नहीं बनेगी। इसका एकदम टाइट डो रखना है। ये देखिए इस तरीके से हम इसकी बाटी बना लेती हूँ, एकदम छोटी छोटी सी इस तरीके की। ये देखिए मैं सारी बना ली है। अभी इस तरीके का बाटी बनाने का कुकर होता है ना, उसमें हम सब बाटियों को सेक लेंगे। ये देखिए ढक के पकाएंगे इसको और बीच बीच में हम चेक भी करते रहेंगे ताकि हमारी बाटी ये जो जल नहीं जाए। देखिए इस तरीके से पलटते रहेंगे इसे सावधानी पूर्वक। ये देखिए बाटी जब तक ये अपना पक के फट नहीं जाए तब तक पकाते रहना चाहिए। अब ये फट जाए तो समझ लेना चाहिए कि ये पक चुकी है अच्छी तरह। ये देखिए बाटी और दाल सब तैयार है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मेरी वीडियो कैसी लगी, और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। थैंक यू।